अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आज पूरे देश में मनाया जा रहा है। इस मौके को खास बनाने के लिए कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद घोड़े पर सवार होकर विधानसभा पहुंची। इस मौके पर उन्होंने कहा कि देश सहित पूरे झारखंड की महिलाओं ने कई क्षेत्र में अपनी जगह बनाई है। कई महिलाओं ने झारखंड के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। आज आधी आबादी किसी से पीछे नहीं है, हर क्षेत्र में नई नई उपलब्धि हासिल कर रही है। मैं तो अपने सवारी से आई हूँ, चार चक्का बोलिए या चार पैर बोलिए, और महिला दिवस है इसलिए मैं आज आई हूँ। एक सोच बदलना चाहती हूँ समाज के अंदर जो महिलाओं के लिए है कि वो बस इतना ही तक रह सकती है, इससे आगे नहीं बढ़ सकती, ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। महिला हर चीज़ कर सकती है और मैं चाहती हूँ कि महिलाओं का भागीदारी हर जगह सुनिश्चित हो। हमारे झारखंड में भी आप देखिए कि बहुत हर क्षेत्र में महिलाओं का भागीदारी बहुत कम है, तो मैं चाहती हूँ कि महिलाएं प्रेरित हो, अपने चुनौतियों से लड़े और आगे बढ़े। हर कोई कुछ ना कुछ सपना लेके कुछ ना कुछ करना चाहती है लेकिन कर नहीं पाती है क्योंकि उनको सहयोग नहीं मिल पाता। मैं बेटी के माता पिता से आग्रह करूँगी, प्रार्थना करूँगी हाथ जोड़ के, झारखंड की बेटी होने के नाते, कि अपनी बेटियों को अच्छे से पढ़ाई लिखाएं, बेटा से ज़्यादा उस पर ध्यान दें क्योंकि बेटी घर की शक्ति होती है, वो बहुत काम आएगी आपको और समाज में उसका योगदान, राज्य में उसका योगदान से हमारा राज्य प्रगति करेगा, समाज प्रगति करेगा। एक सोच बदलेगा जिस सोच के साथ एक नए जनरेशन को आगे बढ़ने में काफ़ी फ़ायदा होगा। और साथ साथ मैं ये भी संदेश देना चाहती हूँ कि यूपी का इलेक्शन ख़त्म होने वाला है, अब पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ने वाला है, तो कुछ दिन में देखेगा कि लोग अपने सवारी गाड़ी छोड़ के यही सब फिर काम आएंगे और मुझे अपना कुबेर घोड़ा काम आएगा। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।